हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी सेकंड चैप्टर ऑफ क्लासिक्स इंग्लिश एनसीईआरटी बुक, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। कैसे डॉग ने खुद के लिए एक नया मास्टर ढूंढा। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, इट्स समथिंग गिवन टू रीड बिफोर द स्टोरी। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। आप शायद जानते होंगे कि डॉग और वुल्फ जो हैं वो क्लोजली रिलेटेड हैं, संबंधित हैं एक दूसरे से। You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals। और आपको ये भी पता होगा कि कैसे पिछले कुछ सेंचुरीज में human beings ने जानवरों को पालना सीखा है। Here is a story about how the dog became a tamed animal। यहाँ एक वैसी ही कहानी है कि कैसे डॉग एक पालतू जानवर बनता है। Now, starting the story with the first paragraph, dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. एक समय की बात है जब dogs अपने खुद के मालिक हुआ करते, मतलब वो लोग free थे, जैसे कि आजकल wolves free घूमते हैं, आज़ाद घूमते हैं, लेकिन तब एक dog था जो कि इस जिंदगी के इस तौर तरीकों से खुश नहीं था with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself. वो परेशान रहता, नाराज रहता इस घूम घूम कर खुद के लिए खाना ढूंढने के कारण, और इसके साथ ही he was being frightened of those who were stronger than him. और उसे डर भी था कि उससे जो stronger animal हैं वो उसे मार सकते हैं. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become a servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. उसने सोचा, कई बार सोचा, और फाइनली ये डिसाइड किया कि सबसे बढ़िया चीज़ उसके लिए यही है कि वो एक ऐसे किसी एनिमल या ऐसे किसी मास्टर का सर्वेंट बन जाए जो कि उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो, या फिर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो इस अर्थ पे। ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रांग एज ही वाज फियर्स। तो वो टहलता रहा जब तक कि उसकी मुलाकात अपने ही एक रिलेटिव, अपने ही एक मिलते जुलते एनिमल, बड़े से वुल्फ के साथ हुई जो कि उसके जैसा ही बहादुर और फियर्स था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। वुल्फ ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। तो वो कहता है कि मैं तो कोई ऐसा ढूंढ रहा हूँ जिसके लिए मैं काम कर सकूँ, तो क्या आप मेरे मालिक बनना पसंद करोगे वुल्फ। आई डोंट सी व्हाई नॉट, वुल्फ कहता है कि हाँ क्यों नहीं। एंड दिस अग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। और ऐसी सहमति बनी, फिर दोनों साथ साथ चल पड़े। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज। वो लोग चलते रहे और तभी एकाएक जो वुल्फ था अपने नाक उठाकर कुछ सूंघने की एक्टिंग कर रहा था। ही वॉज स्निफिंग, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इन टू द बिशेज एंड क्रेप्ट डीपर इन टू द फॉरेस्ट। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। अभी वो सूंघ कर पता लगाता है और झाड़ियों में जाकर छिप जाता है। डॉग काफ़ी सरप्राइज्ड हुआ। व्हाट इज कम ओवर यू मास्टर, आखिर आपके साथ क्या हुआ है। व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, आप इतने डर क्यों गए हो। कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट देयर, तुम देख नहीं सकते कि वहाँ पे एक भालू है, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और वो तुम्हें भी और मुझे भी, दोनों को ही खा सकता है। सीइंग दैट द बियर वॉज अ स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, The dog decided to take up service with him. अभी जब डॉग ने ये पाया कि बियर वुल्फ से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो डॉग ने डिसाइड किया कि वो उस बियर के लिए सर्विस करेगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। द बियर अग्रीड टू दिस रिडल, और बियर भी तुरंत ही तैयार हो गया। कहता है, लेट्स गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, चलो गाय का एक झुंड ढूंढा जाए। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, हम लोग एक काऊ को मारेंगे, पकड़ेंगे, और फिर दोनों ही अपना भूख मिटाएंगे। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइस। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हैसिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। अभी जब वो लोग बढ़ते रहे तो तुरंत ही उन्हें गाय की झुंड मिली। दे सॉ अ हर्ड ऑफ काउज, लेकिन जैसे ही वो लोग उसकी तरफ बढ़ते, ये दोनों ही उन गायों की तरफ बढ़ते,
एक भयानक सी आवाज़ ने इन्हें रोक दिया। दे वर स्टॉप बाय अ टेरिबल नॉइज। जो गाय थी वो लगातार मू किए जा रही थी और वो घबराकर इधर उधर भाग रही थी। भालू ने भी ऐसा देखा तो वो भी भाग खड़ा हुआ घनी झाड़ियों और जंगलों के पीछे। देन इट्स गिवन, नाउ वाई आई हैव टू कम हियर, अब भला मुझे यहाँ पे क्यों आना पड़ा, सेड ही टू द डॉग। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स। अभी वो डॉग को कहता है कि ये शेर है जो कि जंगल के इस हिस्से का राजा है। द लायन हु इज ही, डॉग कहता है कि लायन कौन है। डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। अभी वो कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि इस जंगल का, इस अर्थ का सबसे खतरनाक बीस्ट, सबसे खतरनाक जानवर कौन है, लायन। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। अभी वो कहता है कि ठीक है बियर, मैं तुम्हें अभी गुड बाय कह रहा हूँ, मुझे तो एक ऐसा मास्टर चाहिए जो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू टास्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और फिर डॉग चला जाता है लायन के पास उसे अपना मालिक बनाने के लिए। द लायन अग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्वड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अभी लायन उसके बात को मान गया और डॉग उसके साथ लंबे समय तक रहा। इट वॉज अ गुड लाइफ, लाइफ काफ़ी मज़े में चल रही थी। एंड ही हैड नथिंग टू बी कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। क्योंकि जंगल में तो लायन से ज़्यादा खतरनाक बीस्ट कोई था ही नहीं। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। और किसी में भी ये हिम्मत नहीं थी कि वो डॉग को किसी भी तरीके से, कि कोई भी डॉग को किसी भी तरीके से परेशान कर सके जब तक कि वो लायन के साथ था। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट रेन अमिड बेयर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप्ड। अभी एक दिन जब दोनों ही पहाड़ की छोटी छोटी चट्टानों के बगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही, तो लायन ने बहुत बड़ी रोड, बहुत जोर से लायन गर्जा एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पॉ विद सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म्ड देयर। देन ही बिगन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। वो काफ़ी गुस्से में था और उसके बाद पीछे की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। वॉट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आस्क द डॉग सरप्राइज्ड। अभी डॉग सरप्राइज्ड होकर पूछता है कि मालिक अब क्या दिक्कत है, क्या कुछ गलत हो गया। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मुझे एक इंसान की गंध आ रही है, द लायन सेड। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। हमें यहाँ से भाग निकलना चाहिए या हम परेशानी में पड़ सकते हैं। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। ठीक है, मैं तुम्हें गुड बाय कह रहा हूँ लायन। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। अभी डॉग उस लायन को भी बोलता है कि मुझे तो इस संसार का सबसे स्ट्रांगेस्ट बीस्ट चाहिए था, तो मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन एंड स्टेड विथ हिम एंड सर्वड हिम फेथफुली। और फिर डॉग चला जाता है उस इंसान के पीछे पीछे और उसके साथ रहता है। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग इज द मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। हालांकि इस समय का, इस घटना का काफ़ी समय बीत चुका, काफ़ी समय बीत चुका, लेकिन अभी भी जो डॉग है वो इंसान को अपना मास्टर मानता है और इंसान के लिए भी जो मोस्ट लॉयल सर्वेंट है, जो सबसे वफादार सर्वेंट है, लॉयल मीन्स वफादार, वो कौन है, इट्स द डॉग। दैट्स अबाउट फॉर दिस स्टोरी। वी शैल मीट इन अनदर वीडियो विद अनदर सेट ऑफ स्टोरीज। Till then, thanks and goodbye.